अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं जुहेब हसन। सारंगी नमाज़ मेरा ताल्लुक सारंगी नमाज़ों के अम्बरसरी घराने से है। मेरे दादा, मेरे परदादा और हमारे अबाउज दाद में बहुत से नामवर सारंगी म्यूजिशंस हुए हैं हमारे सब कॉन्टिनेंटल के। तो हमारी सात पुश्तें सारंगी नवाजी से मुंसलिक हैं, तो ये हमारा फैमिली हेरिटेज भी है और हमारा सर्वाइवल भी है। तो मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में एज़ ए सरंगी टीचर भी गुज़िश्ता 4 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर ने वक्त की रफ़्तार को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा समन राय साहिबा और हमारे डायरेक्टर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली ज़ुल्फ़ी साहब की काविशों से अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, जिसमें हमारे सब कॉन्टिनेंटल के और वेस्ट के तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन दस्तियाब हैं। तो मेरी ये अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर की ऑनलाइन क्लासेस सारंगी सेशन का पहली क्लास है। और मैं आपको बताता चलूं कि पहले सारंगी पकड़नी कैसे है। आपने सारंगी आपने हमेशा ऐसे रखनी है, सर आपने बाएँ तरफ और ये जो इसका बैले है वो आपने दाएं तरफ रखना है। सारंगी पहले तो आपने अगर बैग से निकाली तो ऐसे रखी, उसके बाद आपने इसको ऐसे उठाया और एक ऐसा कुशन लें किसी भी कलर का हो, लेकिन थोड़ा सा कुशन हो ताकि उसकी हाइट बन जाए आपके। सबसे पहले आपने सारंगी को ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ऐसे ईजीली बैठना, आपको ग्रिप ना करना पड़े ऐसे अपना, या ऐसे आपको होल्ड ना करना पड़े। जब आपने इसको सीधा रख लिया तो फिर इसको 19 डिग्रीज पर थोड़ा सा बाएं से दाएं तरफ आपने इसको मूव करना है। ये तो होगी सारंगी पकड़ने की पोजीशन। अच्छा, ये आपने पकड़ लिया, अब इसके बाद आपने इससे अवेयर होना है। अवेयर मीन के आपको इसके साथ सीटिंग करने में आसानी हो, आपने इसको अपना एक हिस्सा समझना है। बजाना तो बाद की बात है, पहले इसके साथ कंफर्ट सीटिंग करनी है आपने कि अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब आपने इसको ऐसे रख लिया तो आपको इसको ऐसे होल्ड ना करनी है, आपके इधर ना जाए या उधर ना जाए, तो ऐसे इसको आपने पहले होल्ड कर लिया। कोशिश करें कि ऐसे बैठकर अपने दोस्तों से बातें करें, एक कप चाय पिएं, ताकि आपको इसको होल्ड ना करना पड़े, इजीली आप इसको फील कर सकें कि मेरे पास सारंगी भी है और आपको को ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा। अच्छा, सारंगी के साथ जो ये आप देख रहे हैं इसको हम बो कहते हैं, गज़ कहते हैं। गज़ पकड़ने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। बो आपने लिया, लिटल और रिंग फिंगर अंदर की तरफ, मिडल और इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ, और थंब से ऐसे इसको होल्ड कर लिया। ये पोजीशन इसकी बनती है। मैं आपको कैमरे पे अगर आप सही तरह से देख सकें, ये देखें, ये इसकी पोजीशन बन गई। इसकी पोजीशन बन गई। अब इसको आपने चलाना कैसे है कि आपने इसको स्ट्रेट रखना है गज़ को। अच्छा, जो यहाँ से आप देख रहे हैं लास्ट से इस, ये ब्रिज है और ये इसकी पीलक है, इसको पीलक हम कहते हैं। ये जो हड्डी है एलिफेंट बोन, ये पीलक है ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ है ये ब्रिज सा बना हुआ है, इसको हम ब्रिज ही कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में हमारी दो ऑक्टिव्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑक्टिव। हमने जो गस चलाना है वो हमने अपनी जो लास्ट ऑक्टिव है ना, वहाँ से एक उंगली का आपने देख लेना, अंदाज़ा कर लेना कि उससे ऊपर आपका गस ना आए और ना नीचे जाए, बल्कि ब्रिज से नीचे ना जाए और आपकी एक उंगली से ज़्यादा ऊपर ना आए, और इसको स्ट्रेट रखना। ये देखें, कोशिश करनी कि इसको सीधा रखना है, मतलब ऐसे टेढ़ा ना हो, ना ऊपर जाए ऐसे, ना ऐसे नीचे जाए, कोशिश करनी इसको सीधा रखने की। ये तार, ये स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, हम इसको उर्दू में तार कहते हैं। ये जो पहली स्ट्रिंग है मैंने डी शार्प पे मिलाई है, तो मेरा वोकल डी शार्प पे, इसको मैं गा नहीं सकता, तो ये मैंने हमारा डी शार्प सा मैंने इसको ट्यून किया। ये आपके बाएं तरफ की पहली ओपन स्ट्रिंग है, ये तो ये आपका सा आ गया। इसके बाद दाएं तरफ, बाएं तरफ से दूसरी स्ट्रिंग जो वो आपकी पंचम की तार है,
इसको भी आपने ऐसे ही गैस के साथ इसको, और फोर्स से नहीं इस्तेमाल करना कि आप इसको ज़ोर नहीं लगाना, आपने गैस को स्ट्रिंग के ऊपर इतनी आराम से उसको छूना है जैसे आप अपनी जिल्द को छू रहे होते हैं, तो आपको एहसास हो रहा होता है कि मुझे कोई चीज़ छू रही है, सिर्फ इतना सा आपने मार्जिन रखना है इसमें। इसको ज़ोर लगाएंगे तो उसका साउंड ये ऐसे होगा आवाज़, और उसमें आपको बजाने में भी आप थकेंगे और उसको कंट्रोल करने में भी आप थकेंगे। इस हाथ को ढीला रखना है और ऐसे जैसे आप किसी चीज़ को प्यार से छू रहे हैं। अच्छा, इसका एंगल क्यों है, मीन्स कि इसको सीधा भी रख के बजाया जा सकता है। तो इसका एंगल इसीलिए है कि ये जो तीन तारे हैं इसमें बहुत छोटा सा गैप है। आप इसको अगर आपके पास सरंगी होगी तो आप देखेंगे तो बिल्कुल हल्का सा ऐसे जैसे उंगली कि ये पहली तार आ गई, ये दूसरी आ गई, ये नीचे तीसरी आ गई, तो जो बीच वाली तार है वो ज़रा सा ऊंची है। तो अगर आप इसको सीधा रख के बजाते तो आपको सिर्फ फर्स्ट तार मिडिल वाली तार बजाने का मौका मिलना था, क्योंकि हमारी सेकंड ऑक्टिव उधर से शुरू हो रही है पहली स्ट्रिंग, इसलिए हमें इसे 90 डिग्रीज पे बाएं से दाएं तरफ इसको एंगल करना पड़ता है कि सा, और ये पीछे पंचम की तार। बड़ी ईजिली आप सा से ज़रा सा हाथ को मूव किया तो आप इसकी दूसरी स्ट्रिंग पे पा पे चले जाएंगे। कोशिश रखनी है कि आपने इसको सीधा रखना है, और इसके बाद जो तीसरी वाली है दाएं से फर्स्ट, वो हमारी फिर सा की तार है, लेकिन ये सा हमारी ऑक्टिव का फर्स्ट है, तो ये हमारी ऑक्टिव का फर्स्ट ऑक्टिव है जो हमारी बेस में है, मतलब ये डी शार्प है, ये बी फ्लैट है, और ये फिर डी शार्प है, मतलब सा पा और सा। सारंगी के बारे में बताता चलूं कि इसको गौर से देखें तो आपके इसके अंदर जो इसका फेस है, मस्तक्ष है, इसमें आपको मोस्क नज़र आएगी, मेहराब। और ये सारंगी क्योंकि मेरे दादाजी की है तो ये पुराने उस्ताद बैर खान साहब जो कि मसीत खान साहब के बेटे थे उनकी बनी हुई है, तो इसमें मोस्क बनी हुई है। ये वाहिद इंस्ट्रूमेंट है हमारी रीजन का कि जो इस्लामिक फ़न एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ मुंसलिक है, तो ये हमारी क्राफ्ट का, इस्लामिक क्राफ्ट का एक खूबसूरत नमूना है। ये हैंड मेड है और वन पीस है। इसके मौजूद हैं हज़रत अमीर खुसरो। तो मुख्तलिफ आरा हैं लोगों के पास कि सरंगी कब से है, तो आप इसको खुसरवी दौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हज़रत अमीर खुसरो की ये भी इन्वेंशन है, सरंगी भी, तबला भी उनकी इन्वेंशन है, सितार भी, बहुत से राग आगे जाकर आपको मैं बताऊँगा, और बहुत से ताल उनकी इन्वेंशन हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज हमारा अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर ऑनलाइन सरंगी क्लास का पहली क्लास थी आज हमारी, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।